नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दर्शक। मेरे दूसरे विंडो में तस्वीर देखिए, किस तरह से ये महिला एक कर्मचारी को चप्पल से मार रही है। 1, 2, 3, 4। मैं अपने वीडियो ट्विटर के कहूंगा कि सम्मान का मामला है, जिस कर्मचारी की पिटाई हो रही है इनका चेहरा ढक दिया जाए और जो महिला मार रही है उनका चेहरा दिखाया जाए। तो ये देखिए, ये रणदीप सिंह सुरजेवाला ने इस वीडियो को ट्वीट किया है और ये वीडियो है हिसार का। खट्टर सरकार के नेताओं के घटिया कारनामे, मार्केट कमेटी सचिव को जानकार जानवरों की तरह पीट रही हैं। आदमपुर हिसार की भाजपा नेत्री, वहां खट्टर की सरकार है, ये बीजेपी की महिला नेता हैं। क्या सरकारी नौकरी करना अब अपराध है? क्या खट्टर साहब कार्रवाई करेंगे? क्या मीडिया भी चुप रहेगा? और सबसे बड़ी विडंबना देखिए कि पुलिस कर्मचारी वहीं खड़े हैं। शुरुआत में ऐसा लगता है कि कहीं मोलेस्टेशन का मामला हो या एट्रोसिटी का मामला हो, फिलहाल ये जानकारी नहीं आई है। लेकिन जिस तरह से चप्पल की बरसात कर रही है बीजेपी के नेता, जो रणदीप सिंह सुरजेवाला ने जिस तरह से ट्वीट किया, उससे तो लगता है कि सरकारी कर्मचारी से मारपीट का मामला है। आप पूरा एक बार वीडियो का एम्बियंस सुन लीजिए, आपको कुछ समझ में आएगा। आराम करने, तुम लोगों को जीने का अधिकार नहीं। तुम लोगों को, हाँ जी, क्या हुआ सर? मैं तो जो काम का नोट कर लिए, जो भी काम का बहन जी ने, इन्हें क्या शेड बनाने के लिए, मैं शेड बनाने के नोट कर लिए, मैं सेक्रेटरी मार्केट रिपोर्ट लिखो इसके खिलाफ, जो भी काम का मेरे साथ। लेकिन जो भी है, ये तरीका ठीक नहीं है, इस तरह से जो हमला किया जा रहा है। तो बीजेपी की नेता है और कर्मचारी, खट्टर सरकार के नेताओं के घटिया कारनामे, मार्केट कमेटी सचिव को, मार्केट कमेटी के सचिव हैं, को सचिव को जानवरों की तरह पीट रही हैं। आदमपुर हिसार की भाजपा नेत्री, क्या सरकारी नौकरी करना अब अपराध है? ये सरकारी कर्मचारी हैं। मैं दुआ करता हूं, मैं विश करता हूं कि ये कहीं बहुजन समाज से ना हो, क्योंकि ऐसे लोगों को ज्यादा प्रताड़ना झेलनी पड़ती है। तो ये इस तरह की ये खबर है और कितना खतरनाक है सो आप समझ सकते हैं, किस तरह से लगातार जो है बीजेपी के जो लोग हैं वो किस तरह से। धर्मेंद्र यादव ने एक और वीडियो शेयर किया है, किस तरह से अपने ही सांसद से सवाल पूछने पर कार्रवाई हो रही है, वो भी एक बड़ी खबर है। इस वीडियो के बाद मैं दिखा रहा हूं, ये देखिए कि लोकतंत्र में एक निष्क्रिय जनप्रतिनिधि से उसका लापता होने पर सवाल करना जनता का मौलिक अधिकार है। सत्ता के नशे में चूर अहंकारी सत्ताधीश जिसने कुचलने का प्रयास में है, लेकिन वो जान ले समाजवादी, न डरते हैं न दबते हैं। साथी अंकित यादव पर अत्याचार निंदनीय, झूठे आरोप, वापिस ले सरकार। तो महेंद्र नाथ पांडे जी, सांसद चंदौली, 5100 रुपए का पुरस्कार, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष LBS PG कॉलेज मुगलसराय चंदौली, नेता समाजवादी पार्टी, इन्होंने एक पोस्टर लगा दिया था, अब यादव जी की गिरफ्तारी हो रही है। तो सोचिए हम लोग डेमोक्रेसी के किस अंत तक पहुंच चुके हैं। वैसे हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि सबको सवाल पूछने का अधिकार है, तो कहीं चप्पलों की बारिश हो रही है और कहीं आप अपने संसद के बारे में आपने सवाल पूछ दिया तो आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और पत्रकार सरेंडर कर चुके हैं इस देश के तमाम लोग। इसलिए मैं कहता हूं कांग्रेस की ये गलती है कि उन जिन लोगों को उसने जाति के आधार पर भरा था सब जगह, अब वो सब के सब संगी निकल गए। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि इस देश में जातिवाद कितना चरम पर है। आप SC हैं, ST हैं, OBC हैं, माइनॉरिटी हैं, अपने आप को OBC अहीर जो हैं, OBC जो हैं वो अपने आप को क्षत्रिय समझते थे, उनके साथ जब इस तरह से बर्ताव है तो सोचिए SC ST माइनॉरिटी के साथ क्या हो रहा है। तो पूरे देश में जातीय वजहों से अहंकार में है लोग। कोई परमेश्वर मुखिया की को शहीद कह रहा है, कोई केंद्रीय मंत्री जिस पर हत्याओं का, अनगिनत हत्याओं का आरोप है, जो जेल काट चुका है, कोई अपने से सवाल पूछने पर जेल में डलवा दे रहा है, और कोई सरेआम सरकारी कर्मचारी की पिटाई कर रहा है। इसी यूपी में बीजेपी के एक सांसद ने एक दलित कर्मचारी के घर में घुसकर मारपीट की थी, और वहीं एक शेड्यूल कास्ट की प्रिंसिपल महिला कुछ बोल देती हैं तो उन पर कार्रवाई हो जाती है। तो ये है इस देश का जातिवाद का रंग। आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। आप लोगों का शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।